देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। एक कांग्रेस है जो इस मौके पर पाकिस्तान की भाषा में बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से विभाजन की त्रासदी का जिक्र किया। उन्होंने ठीक एक दिन पहले ही के 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ सबसे पहली टिप्पणी पाकिस्तान ने की थी। उसके बाद कांग्रेस ने उसी लाइन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने पीएम पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पहले पाकिस्तान को उसके स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस को बधाई देते हैं, फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के नजदीक आने पर विभाजन को याद करते हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा के विभाजनकारी छल कपट की पोल अब खुल चुकी है। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री के एक पुराने ट्वीट और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को लिखे गए उनके पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया, विभाजनकारी छल कपट की पोल खुली, अब देश को नहीं बरगला सकते। 22 मार्च को पाकिस्तान को बधाई। याद रहे 22 मार्च वो दिन है जब मुस्लिम लीग ने 22 मार्च 1940 को बंटवारे का प्रस्ताव पारित किया था। पिछले 14 अगस्त को भी पाकिस्तान को बधाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव आते ही विभाजन की याद आई, वाह साहेब। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री का जो ट्वीट साझा किया वह 14 अगस्त 2015 का है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। सुरजेवाला ने जिस पत्र का हवाला दिया वह प्रधानमंत्री ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को वहां के राष्ट्रीय दिवस पर लिखा था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये घोषणा करने से पहले इस पर माफी मांगनी चाहिए थी। उनके वैचारिक पूर्वजों और मुस्लिम लीग के कारण ही देश का बंटवारा हुआ। खेड़ा ने दावा किया कि इनके वैचारिक पूर्वजों और मुस्लिम लीग ने मिलकर जो माहौल बनाया था उस वजह से बंटवारा हुआ, इन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंटवारे के समय मेरे परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे। ये कौन होते हैं? हमारी टीस दूर करने वाले। इनकी वजह से मेरी टीस है और आज ये टीस फिर बढ़ रही है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि 14 अगस्त को लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंटवारे के दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। विभाजन के चलते सामने आई नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।